Good morning, students. Yesterday we just started Raoult's law with positive and negative deviation, as well as we finished the azeotropic solution also. So today we'll do two things. One is the graph of positive and negative deviation, and second thing is previous year questions, which are very much necessary. First, we'll do the graph for the positive and negative deviation of Raoult's law, because these days graphs are also important. They will in the question paper give you the graph and will ask what information you are getting about the deviation regarding the Raoult's law by seeing this graph. Now we know आइडियल राउल्ट्स लॉ का जो ग्राफ है वो देखो मैंने डिस्कस किया हुआ है, यू कैन रेफर द प्रीवियस वीडियो फॉर दैट. जस्ट इन हरी आई एम जस्ट टेकिंग ए क्विक रिव्यू. जैसे यहाँ पर अगर मोल फ्रैक्शन ए का जीरो है तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए का वन होगा. इफ़ ए इज़ जीरो देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी शुड बी वन हेयर, एंड बिकॉज हेयर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज़ वन, सो एक्स बी शुड बी जीरो. नाउ अगर आप यहाँ से प्रेशर, यानी कि एक्स ए जीरो है यानी कि मोल फ्रैक्शन जीरो है, तो प्रेशर भी जीरो. अब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन किसका बढ़ रहा है, ये ए का बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा. और ये टोटल प्रेशर हाईएस्ट पहुँच गई यहाँ पर, ये प्रेशर किसका होगा, पी ए का, क्योंकि ए का मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन किसका आ रहा है, ए का, यहाँ पर ए फुल है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए शुड बी मैक्सिमम हेयर, अगर इसका मोल फ्रैक्शन ए है तो इतना होगा, अगर मोल फ्रैक्शन हाफ है तो इसका प्रेशर इतना होगा. ठीक. नाउ बी का थोड़ा सा मैं कम ही लूँगा, क्योंकि बी को हम सोल्यूट मान रहे हैं, उसका अमाउंट कम होगा सोल्यूशन में, तो उसको ऐसे लेंगे. ठीक. एंड ये देखिए, यहाँ पर बी जीरो था तो बी बढ़ा, तो उसका पार्शियल प्रेशर पी बी यहाँ पर फुल हो गया टोटल, और इसको आपने जोड़ दिया. इट इज़ द ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ. बट इफ सॉल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन का मतलब है कि द प्रेशर विच इज ऑब्टेंड बाय एक्सपेरिमेंट इज मोर देन व्हाट इज कैलकुलेटेड बाय द राउल्ट्स लॉ इक्वेशन. आपने राउल्ट्स लॉ इक्वेशन ये है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी, एंड बाय सॉल्विंग दिस यू आर गेटिंग पी ए इक्वल टू 120. बट इन रियलिटी द प्रेशर दैट यू आर गेटिंग बाय द एक्सपेरिमेंट, मीन्स विद द हेल्प ऑफ डिवाइस और मशीन, दैट इज 140. इट मीन्स बाय राउल्ट्स लॉ इट वॉज 120, बट इन एक्सपेरिमेंट इट इज 140. इट मीन्स इट इज मोर देन कैलकुलेटेड. दैट्स वाई इफ ग्राफ इज शोइंग मोर वैल्यू, ये ऊपर देखो, ऊपर दिखा रहा है, इससे ये इससे ऊपर दिखा रहा है और ये इससे ऊपर. इट मीन्स दिस ग्राफ इज फॉर द पॉजिटिव डिविएशन. इन द नोट्स इन पेज नंबर 22 हेयर दिस ग्राफ इज हेयर. ये आपका नॉर्मल राउल्ट्स लॉ है और ये राउल्ट्स लॉ से ऊपर दिखा रहा है. दैट्स वाई दिस ग्राफ इज फॉर द पॉजिटिव डिविएशन. एंड एट पेज नंबर 23 यू कैन सी द ग्राफ फॉर द नेगेटिव डिविएशन ऑल्सो. ओके, हेयर द ग्राफ्स आर कंप्लीट. नाउ विल डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एक्चुअली प्रीवियस मीन्स इन सीबीएसई यू गेट 50% क्वेश्चन सॉल्व इन द क्वेश्चन पेपर. Just you have to apply the concept. So before I start these questions, we have to do some basic things also. First is, what is boiling and what happens in the boiling? Because many students are confused, even in the plus two class also. They think that कि आपने अगर water को boil किया, ये formula है आपका water का, तो boil करने पर क्या होगा, hydrogen अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी. नेवर, ऐसा कभी नहीं होता. इसको समझना आपने ऐसे है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक वेसल है. इन दिस वेसल आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं. देखिए, इन सम ग्राम ऑफ वाटर मिलियन बिलियन
molecules of water are there. A large amount of water molecules are there in the sample. और ये मॉलिक्यूल फ्री नहीं है, आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से. और कैसे जुड़े हुए हैं? एच बॉन्ड से. ये पढ़ा है हमने प्लस वन में कि वाटर का मॉलिक्यूल आपस में दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा होगा? एच बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन द एच एंड ओ हेयर, इट इज़ एच बॉन्ड. ऐसे ही और वाटर के मॉलिक्यूल भी आपस में एच बॉन्ड से जुड़े होते हैं. तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? एच बॉन्ड. और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड. ओके, तो वाटर वाटर के बीच का जो बॉन्ड है ये टूटेगा. नोट दिस बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटेगा और एच के बीच में. दिस एच बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल विल ब्रेक ड्यूरिंग द बॉइलिंग. तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, इसके मतलब सभी वाटर से, और ये H2O बाहर आ जाएगा. ये वोट इस तरीके से बॉइलिंग होगी. और अगर किसी लिक्विड में H बॉन्ड नहीं है, मान लीजिए दूसरा कोई लिक्विड है, मैं इसको X ले लेता हूँ X, और इसके इसके पास H नहीं है और H बॉन्डिंग भी नहीं है इनके बीच में, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी दैट बॉन्डिंग इज नोन एज वीक वंडर वॉल फोर्स. ये कर चुके हैं प्लस वन में, वंडर वॉल फोर्स. इसके मॉलिक्यूल के बीच में वंडर वॉल फोर्स होगा. तो लिक्विड्स में दो ही टाइप के फोर्स हो सकते हैं, या तो वंडर वॉल फोर्स या एच बॉन्ड. अगर एच बॉन्ड नहीं है तो वंडर वॉल पक्का ही होगा, और एच बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वंडर वॉल से. वंडर वॉल इज अ वीक फोर्स, एच बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स. नाउ जस्ट गिविंग यू हिंट, अब जो क्वेश्चन आएंगे NCERT CBSE बोर्ड में वो कुछ इस तरीके से ही आएंगे. पहले कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं जहाँ थोड़ा बहुत क्रैमिंग की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, बट नाउ यू विल गेट हाफ ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व्ड इन द क्वेश्चन पेपर एंड यू हैव टू जस्ट अप्लाई द कंसेप्ट हेयर. नाउ जस्ट यू शुड थिंक लाइक क्वेश्चन इज दैट वाई द सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी मीन्स सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इज शोइंग पॉजिटिव डिविएशन. नाउ सिंपल थिंग, पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या हो गया? प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ए और बी के बीच में वीक फोर्स है. ए और बी के बीच में वीक फोर्स है. यू कैन राइट बिकॉज ऑफ द वीक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इट विल बी शोइंग पॉजिटिव डिविएशन. अगर आपको कन्फर्म नहीं है कि एच बॉन्ड है या नहीं है, डोंट मेंशन इट, जस्ट राइट वीक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन. लाइक दिस, इफ इट इज सेइंग वाई द सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स इज सॉल्यूट एंड वाई इज सॉल्वेंट, वाई द एक्स सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज शोइंग नेगेटिव डिविएशन. नेगेटिव डिविएशन का मतलब क्या हो रहा होगा? अब एक्स और वाई के बीच में जो बॉन्ड बन रहा होगा वो कैसा होगा? स्ट्रोंग होगा. So you can write because the bond is, the bond between the X and Y or solute and solvent is strong, or solute solvent interaction is stronger than solute solute and solvent solvent. That's why it is showing negative deviation. And if you know that there is H bond or not, you can mention that also. Agar H bond ban raha hoga to weak, सॉरी स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो आपकी नेगेटिव डिविएशन होगी, और अगर पॉजिटिव डिविएशन है तो एच बॉन्ड टूट रहा होगा. नाउ विल टेक द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन इज शोन बाय अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन. नाउ यू शुड नो अबाउट दिस कि अल्कोहल्स में एच बॉन्ड होता है. इथेनॉल क्या है? CH3CH2OH, इट इज़ इथेनॉल. और एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल के साथ में किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? एच बॉन्ड से. देखिए जैसे वाटर में OH था, यहाँ पर भी OH है, तो इसका O और H और दूसरे मॉलिक्यूल का O और H, इनके बीच में क्या आ जाएगा? एच बॉन्ड. यानी के एल्कोहल्स में एच बॉन्ड होता है. एंड एसीटोन का मतलब है प्रोपेनॉन. सी एच थ्री
C double bond O CH3. Propanone or acetone is same thing. Now what happens when acetone is mixed in the alcohol? It will break the H bond of alcohol. अगर एसीटोन ने अल्कोहल का एच बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या हो गया, आपके पास वीक फोर्स आ जाएगा अल्कोहल के बीच में, अल्कोहल के वेपर जल्दी बनेंगे, दैट्स वाई इट विल शो पॉजिटिव डिविएशन. द आंसर इज हेयर, इन इथेनॉल एच बॉन्ड इज प्रेजेंट. व्हेन एसीटोन इज मिक्स्ड द एच बॉन्ड ब्रेक्स, सो द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डिविएशन. In the same way, next question, what type of deviation is shown by CS2, carbon disulfide? इसमें कोई H bond नहीं है, H ही नहीं है, और कोई electronegative element like NOF, nitrogen, oxygen, fluorine भी नहीं है. अगर आपके पास nitrogen, oxygen और फ्लोरीन नहीं है तो एच बॉन्ड नहीं बन सकता. इन तीनों में से कोई एक होता तो एच बॉन्ड बनता, इसके पास है ही नहीं. एसीटोन, एसीटोन में भी हमने बात कर ली थी CH3CO CH3. अब ये किस टाइप की डिविएशन शो करेंगे, देखिए दोनों के पास ही एच बॉन्ड नहीं है. अब सी के पास ओ तो है बट ओ के साथ में डायरेक्टली एच नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई एच बॉन्डिंग नहीं है, तो इनके पास आपस में कोई एच बॉन्डिंग नहीं है. तो जब आप इन दोनों का सोल्यूशन बनाओगे तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो कैसी होगी, वीक. एंड ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन दे विल शो पॉजिटिव डिविएशन. सो सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डिविएशन ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, एंड यू शुड गिव द रीजन वेदर बींग आस्क्ड और नॉट. Now see, by using the same concept, why is an increase in temperature observed? यहाँ से आपको hint मिल चुका है, temperature increase हो रहा है. अब आपको पता हो ना हो H bond है या नहीं है, weak force है या नहीं है, you can easily calculate. Why is an increase in temperature observed on mixing chloroform and acetone? आपको ना भी पता हो chloroform का formula, ना भी पता हो acetone का, still you can get the correct answer. This is concept here. And now इस type के question ही आपको CBSE में आएंगे. Temperature increase हो रहा है, exothermic. Temperature increase का मतलब क्या हो गया, exothermic. और कल हमने कल ही बात की थी कि अगर टेम्परेचर बाहर हो रहा है तो बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रोंग होगा. और अगर आपके पास बॉन्ड स्ट्रोंग है तो कौन सी डिविएशन हो जाएगी, नेगेटिव. तो अब देखिए आंसर ये आ गया, हीट इज रिलीज्ड व्हेन ए स्ट्रोंगर बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड. ऑल दो अगर आपको एच बॉन्ड नहीं भी लिखना, यू कैन राइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बिकॉज अगर टेम्परेचर बाहर निकलेगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. एच बॉन्ड इज ओनली इन दैट कंडीशन वेन यू आर कन्फर्म अबाउट दिस. अगर आपको कन्फर्म है यू कैन राइट, अदरवाइज यू कैन राइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन टेम्परेचर इंक्रीजिंग. तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बॉन्ड कैसा बन रहा है, स्ट्रॉन्ग. बस इतना कंसेप्ट ही यूज़ करना था आपको. नाउ दिस क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन इज शोन बाय फिनोल एंड एनिलीन एंड गिव रीजन. नाउ फिनोल इज दिस बेंजीन के ऊपर OH, O एंड H. यहाँ देखिए अब OH आ गया. एंड एनिलीन का फॉर्मूला है, ये हमने प्लस वन में कर चुके हैं. एनिलीन का क्या होता है, NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, एक H यहाँ लगा दो और एक H यहाँ. नाउ सी, हाइड्रोजन इज लिंक्ड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन. हेयर ऑल्सो हाइड्रोजन इज लिंक्ड विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन. तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन इसके नाइट्रोजन और इसके हाइड्रोजन, और इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में
कौन सा बॉन्ड बनेगा? एच बॉन्ड, यहाँ पर एच बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है बिटवीन द एनिलीन एंड द फिनॉल, सो इट शुड शो नेगेटिव डिविएशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोंगर एच बॉन्ड. ओके एंड नाउ वन मोर क्वेश्चन, यहाँ ये टोटली कंसेप्चुअल है. नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क मोर फ्रिक्वेंटली. ऑन मिक्सिंग सोल्यूशन एक्स एंड वाई, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन डिक्रीजेज. देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब क्या है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज तभी होगा जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा. बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से पार्टिकल नियर आएंगे, नज़दीक आएंगे, एंड बिकॉज दे आर कमिंग नियर टू ईच अदर द वॉल्यूम विल डिक्रीज. इट मीन्स इट विल दिस डिक्रीज इन वॉल्यूम शोज बॉन्ड इज फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग. वट टाइप ऑफ डिविएशन? अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो नेगेटिव डिविएशन आ जाएगी बाय द रिजल्टिंग सोल्यूशन. ओके तो यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव डिविएशन, इजीली पता लग गया आपको यहाँ से. व्हाट चेंज इन द टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व? अब देखिए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा? वो इंक्रीज होगा, क्योंकि सोल्यूशन जो है वो अपना हीट को रिलीज करेगा. सो टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड इट विल शो नेगेटिव डिविएशन. ओके एंड आफ्टर दिस I don't. One more question is here that will do. This question is just reverse of the question that we have done. Okay, इसको हम नहीं करेंगे. बिल्कुल इसका reverse सही तो जो भी किया था हमने. Next question is this. Why the solution of ethyl alcohol, same ethanol, ethyl alcohol and cyclohexane shows non-ideal behavior or has higher vapor pressure and volume. अब देखिए हमने ये बात की थी इथाइल अल्कोहल इथेनॉल में कैसा बॉन्ड है? एच बॉन्ड. ओके एंड साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का मतलब है आपकी हाइड्रोकार्बन चेन, और हाइड्रोकार्बन चेन में कभी भी एच बॉन्ड नहीं होता. हेक्सेन में तो कार्बन हाइड्रोजन ही है, तो यहाँ एच बॉन्ड तो नहीं होगा. सो इट्स क्लियरली शोज कि इथाइल अल्कोहल में एच बॉन्ड है और साइक्लोहेक्सेन में एच बॉन्ड नहीं है. तो क्या करेगा? साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन इथाइल अल्कोहल के एच बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड ड्यू टू दिस ब्रेकिंग बॉन्ड विल बिकम वीक. मीन्स हेयर नाउ एच बॉन्ड विल नॉट बी देयर, अ वीक बॉन्ड विल फॉर्म. दैट्स वाई इट विल शो पॉजिटिव डिविएशन. सो यू कैन से इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन सोल्यूशन विल शो पॉजिटिव डिविएशन ड्यू टू दी ब्रेकिंग ऑफ द एच बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल. ओके थैंक यू.